run for title of a European Premier League 2022. तीनों हजरात, ये है एएसएफ की जानिब से अयूबियंस प्रीमियर लीग, जिसमें 16 टीमों ने हिस्सा लिया और 8 टीमें पहुंची क्वार्टर फाइनल्स में। इसमें सेमीफाइनल्स में हमारे पास आ गई हैप्पी क्लब वर्सेस सईद महमूद एफसी, सेकंड सेमीफाइनल खेला गया एक्सटीएस वर्सेस वॉल्वरीन में, और फाइनल में हमारे पास आ गई दो टीमें जिसमें एक सईद महमूद एफसी और एक है एक्सडीएस। और मैच के दौरान मैं जिधर भी जाता हुबाब भेजा ने मुझे छोड़ना नहीं था, और उन्होंने मेरी फ्री प्रमोशन भी करनी थी और साथ में सबको दिखाना भी था कि ये बंदा कर रहा है वीडियो बना रहा है। Across 57 countries in Middle East and South America, the live streamers, 5.6 million people are watching this game live to enjoy this thrilling run for title of Ethiopian Premier League 2022. दो टाइम का आगाज सकेत पास करेंगे मिर्जाइट और हटक को, मिर्जाइट हटक आगे बढ़ेंगे पास देंगे लिट्टी यूसुफ जैन को, लेकिन लिट्टी यूसुफ जैन दूसरी दुनिया की तरफ देख रहे थे। ये मेरे साथ दो बुकीज बैठे हुए और इन बंदों को आपने नहीं भूलना, ये है हमारे पास बुकीज जो मैच पे पैसा लगाते हैं, बाय द वे सच में नहीं लगाते। पैसा लगाया सैन महमूद एफसी, मैंने एक जेस लगाया है और इस वक्त आर्ड्स 2-1 है। अगर किसी को 2000 लगानी हुई तो मैं 4000 लगाने के लिए तैयार हूँ। हर मिनट के साथ मैच सख्त हुआ जा रहा था क्योंकि गोल्स हो नहीं रहे थे, एक साइड पे भी दोनों टीम में बहुत सख्त थी। और ये अच्छा टैकल था। और तुम्हें जो बॉस में तशरीफ लाए हैं अब्दुल सत्तार, कहते हैं ना कुछ ख्वाहिशें मांगो तो पूरी हो जाती है। पूरे मैच के दौरान मैं ये दुआ मांग रहा था कि गोल्स ना हो जाए और मैच का फैसला पेनल्टीज पे हो जाए, क्योंकि हमेशा से मुझे पेनल्टीज का बहुत मज़ा आता है, और हुआ भी वही कि मैच
पेनल्टीज में चला गया। फुल टाइम पूरा हो गया है और अभी अपने पैसों पे मतलब कायम दायम हूँ। एक का मतलब दो हाँ, बहुत ज्यादा यकीन है शायद महमूद एफसी पर। हाँ 2-1 आठ चल रही है पूरी मार्केट में। बहुत ही नाजुक सूरत हाल है, कोई भी जीत सकता है। सफान की कान पे टांग रही है बहुत पहले से ना, तो बहुत से बार बाल उसको मिले लेकिन सारे बाल खराब कर दिए। और पेनल्टीज में XDS के गोलकीपर ने वो अदाएं दिखाई कि वाह वाह। और ये है जीत की खुशी। शायद इंसान इन ही कुछ लम्हों में सब भूल जाता है, माजी के दुख मुस्तकबिल का गम सब भूल के हाल में जीना सीख लेता है। इन्हीं कुछ लम्हों में सारे दुख मिट जाते हैं, सारे गम मिट जाते हैं। Fortune favor the Braves, they played well and they really deserve to be Fortune favor the Braves and you people are covered. तीन महीने के इनके लंगा ने हमें देश के इंतजाम के तमाम जो ऑर्गेनाइजर थे बेस्ट इमर्जिंग टीम ऑफ द टूर्नामेंट काशिप और एनीवन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर एट प्रेजेंट दिस इज वन तहत एंड अवार्ड गोस टू द कैप्टन ऑफ द चैंपियन टीम मोहसिन खान। The man of the match, the final match is DeGrom, the goalkeeper and the failure of XDS. Captain of the runner-up team, Zubair Khwaja, to come collect his trophy. Zubair Khwaja. The skipper Mohsin is invited to collect his champion trophy. क्या नाम होता है रात की महफिल उड़ा के नींद आ रही है यार। अल्हम्दुलिल्लाह दाजी कम दनो दुनिया का टर्मान हो चुका है दा एक्सडीएस ची कम दनो दा टूर्नामेंट हो गया फिर एक्सडीएस नाराजी ज्यादा हो गए के 10 जीरो फिटिक ड्राई स्क्वाड जी जीरो फिटिक ड्राई स्क्वाड ना यो बलम आगे तक उसमें का वादा जमुग ची चला। अल्लाह का शुक्र है कि हमारा टूर्नामेंट आखिरकार इख्तिताम तक पहुंच गया। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि बगैर किसी मस्ती के बगैर की लड़ाइयों के अल्हम्दुलिल्लाह
बहुत अच्छा हुआ हमारा टूर्नामेंट, शुक्र है पूरे अयूब ने एंजॉय किया, बहुत बहुत आज जो स्पेक्टेटर्स जो आए थे, आज जो लोग अयूब वाले निकले थे, बहुत बहुत मजा आया। और दूसरी बात ये कि हमारी जो एक्सजेएस की टीम है वो हमारे सीनियर्स, रिस्पेक्टेड सीनियर्स हमारे जा रहे हैं इस वक्त, तो हमारे हमारी क्लास भी थी एक तरफ सईद महमूद, एक तरफ एक्सजेएस थी, एक्सजेएस हमारे सीनियर थे, सईद महमूद वाले हमारे क्लास फेलोज थे, लेकिन एक्सजेएस वाले से हमदर्दी थी हमारी कि वो लोग जो है ना वो जा रहे हैं इस कॉलेज, बहुत ही ज्यादा सख्त मैच हुआ है, बहुत बहुत आज मैच हुआ है, नेक टू नेक ऐसा मैच कभी भी अयूब में नहीं हुआ। पूरे कॉलेज का हीरो ये बंदा जैसा खेलता है ना यार, हम बेसिकली डिफेंसिव खेले क्योंकि हमारे जो प्लेयर थे वो अंडर प्रेशर में थे बहुत ज़्यादा, तो हमारी यही कोशिश थी कि हम गोल कंसीड ना करें, उसको मौका ना दें, चांस क्रिएट ना करें उन लोगों को, इंशाल्लाह हम मैच आखिरी तक लेके जाएंगे और फिर अगर पेनल्टी तक लेके जाएंगे तो हमारे प्लेयर अच्छे हैं, पेनल्टी मार सकते हैं, इस वजह से हम पेनल्टी तक लेके गए।